हेलो फ्रेंड्स, इटर्नल स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी के 1000 प्लस वन लाइनर सीरीज का क्वेश्चन शुरू किए हैं। ये आज हम लोग का चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोग तीन वीडियो देख चुके हैं। जिन लोगों ने पिछले तीनों वीडियो को नहीं देखा है, उसे जाकर आप देख लें। पिछले तीनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूँगा, वहाँ से आप जाकर तीनों वीडियो को देख सकते हैं। और डेली सुबह में इंस्टाग्राम पर क्विजेज होते हैं, तो उसे आप अटेम्प्ट करना न भूलें। उसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा जी। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको पाना चाहते हैं, आप लोग पाना चाहते हैं, तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और सुबह में डेली 5 बजे करंट अफेयर की क्लासेज होती है, तो उसे आप देखना न भूलें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम आपके लिए डालें तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की क्लासेज को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पिछले क्लास में हम लोग 75 क्वेश्चन देख चुके हैं, आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हल्दी के किस भाग में हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी पाउडर हमको सुखाया हुआ प्रकंद में प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप ऊपर चढ़ते हैं तो ये प्रतान के द्वारा ही ऊपर चढ़ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो फ्लावर्स का हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एंथोलॉजी हम उसको बोलते हैं। फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पुष्प, फूल, फ्लावर जो महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो इसका उपयोगी भाग होता है ताज़ा पुष्प समूह, यह फूल गोभी का अत्यंत उपयोगी भाग है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बॉल्फिया। बॉल्फिया ही एक सबसे छोटा पौधा है, छोटा फूल मतलब छोटा फूल वाला पौधा है, जिसको हम लोग बॉल्फिया बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा रेफलेसिया। रेफलेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, सबसे बड़ा फ्लावर है। अगला क्वेश्चन है, हवा के परागण को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो हवा के परागण को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, पक्षियों के द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया के किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑर्निथोफिली के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आभासी फल फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। तो सेब का एक उदाहरण है आभासी फल, फॉल्स फ्रूट। ये जितने भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। SSC हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, ये पीछे प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन आपको हम लोग बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है नट। नट में हम लोग लीची को रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर क्या है? टमाटर एक प्रकार का फल है। बहुत से बच्चे इसको सब्जी बोलेंगे, लेकिन ये सब्जी नहीं है, टमाटर एक प्रकार का फल है, फ्रूट है। तो इसका सही आंसर होगा टमाटर एक फल है। अगला क्वेश्चन है, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मांसल एरिल। मांसल एरिल को ही हम लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो यह टमाटर में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों के बीच बीज किससे निर्मित होते हैं? तो ये बीजपत्र से निर्मित होते हैं, बीजपत्र को हम लोग इंग्लिश में कॉटलेडन्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा अनिषेक जनन।
जो अंडे में भ्रूण बनता है उसका कारण अनिषेक जनन है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य पदार्थ की स्वरूप में संचित होती है, तो सेलुलोज ही प्याज में संचलित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर के लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी है, किस कारण टमाटर लाल रंग का दिखाई पड़ता है, तो लाइकोपिन के कारण ही हमें टमाटर लाल रंग का दिखाई पड़ता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, कैरोटीन के चलते ही गाजर का रंग ऐसा हमें प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है, पपीता जो पीले रंग का होता है उसका कारण है कैरिकाजेन थीन ही कारण है पपीते का पीले रंग का होने का। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो मिर्च जो हमें तीखा महसूस पड़ता है उसका कारण है कैप्सिसिन की उपस्थिति कारण हमें मिर्च तीखा लगता है, तीत लगता है। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, सिनकोना पेड़ होता है उसके कौन से भाग से हमें औषधि प्राप्त होते हैं, मेडिसिन प्राप्त होते हैं, दवा प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा छाल के द्वारा ही हम लोग सिनकोना के पेड़ से हमें औषधि प्राप्त होता है, छाल से ही हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं, तो पत्ते और सूखे फल। धनिया में जो उपयोगी जो हम लोग खाते हैं उसका कारण है पत्ते और सूखे फल। अगला क्वेश्चन है, हफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा अधपके फल से ही हम लोग हफीम पोस्ता के पौधे के प्राप्त करते हैं। आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा दालचीनी के पेड़ से ही मसाले का प्रयोग करते हैं, दालचीनी के पेड़ से हम लोग मसाले को निकालते हैं, यूज करते हैं, उसे हम लोग मसाले बनाते हैं। तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करें ताकि बहुत से बच्चे इसका लाभ उठा सकें, और कोई किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।